रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर साय कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद है। कैबिनेट बैठक में सभी विभागों के सचिव भी मौजूद है। 18 लाख पीएम आवास निर्माण को लेकर कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है। बकाया 2 साल के बोनस की भी यहां घोषणा हो सकती है। 3100 रुपए में धान खरीदी पर भी फैसला संभव है। महतारी वंदन योजना के प्रारूप तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है। तो अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट में 3 लोग मौजूद है इस वक्त। साय कैबिनेट की पहली बैठक में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद है। इसके अलावा तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सभी विभागों के सचिव यहां पर मौजूद हैं। 18 लाख का पीएम आवास निर्माण को लेकर यहां पर फैसला लिया जा सकता है। बकाया 2 साल के बोनस की भी घोषणा हो सकती है। 3100 रुपए में धान खरीदी पर भी फैसला हो सकता है। तो महतारी वंदन योजना के प्रारूप तैयार करने पर भी चर्चा हो सकती है, यानी जो घोषणा पत्र में जो तमाम बिंदु शामिल है बीजेपी के घोषणा पत्र में, उसको लागू करने के लिए बैठक और एक्शन में नजर आ रही है साय सरकार। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, इस वक्त ये बैठक चल रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो सभी विभागों के सचिव इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, उन्हें निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। पीएम आवास योजना जिसे लेकर प्रदेश में बहुत हंगामा हुआ था, जब विपक्ष में थी बीजेपी तब इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव के पहले। पूर्व की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा था, कई आरोप लगाए थे। अब उन्हीं 18 लाख पीएम आवास को लेकर यह बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो घोषणा पत्र में जो बिंदु शामिल थे, महतारी वंदन योजना को लेकर किस तरीके का प्रारूप होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है।